हेलो माय डियर व्यूअर्स, वेलकम टू सिंप्लीफाइड सिविल एंड जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग चैनल। आई एम अक्षय जायसवाल। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन बायोलॉजिकल टेस्ट, ई कोली इंडेक्स एंड कोलीफॉर्म इंडेक्स। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यहाँ पर पहला पॉइंट आता है, ये टेस्ट क्यों किया जाता है। तो पहले जान लेते हैं कि बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्ट क्या होता है। जहाँ पर पीने के पानी की बात आती है, वहाँ हमेशा एक सवाल आता है, क्या ये पानी 100% सेफ है। अगर 100% क्लीन नहीं है तो पानी में किस तरह के इम्प्यूरिटीज़ प्रेजेंट है, इन इम्प्यूरिटीज़ का हमारे हेल्थ पर क्या असर होगा। पानी एक बीमारियाँ फैलने का एक फास्ट जरिया है, लेकिन पानी के बिना हम रह भी नहीं सकते। इसीलिए पानी का साफ होना काफ़ी ज़रूरी है। पानी में कितने बैक्टीरियाज प्रेजेंट है और किस टाइप के बैक्टीरियाज प्रेजेंट है, मतलब वो पैथोजेंस है या नॉन पैथोजेंस, इसका पता लगाना काफ़ी ज़रूरी है। पैथोजन मीन्स जो हमारी हेल्थ पर अफेक्ट करेगा ऐसा बैक्टीरिया, एंड नॉन पैथोजन मीन्स बैक्टीरिया जो पानी में मौजूद रहेगा तो भी हमारी हेल्थ पर इसका कोई असर नहीं होगा, इसे कहेंगे नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया। इसीलिए पीने के पानी को सेफ बनाने के लिए कुछ टेस्ट लिए जाते हैं जिन्हें कहते हैं बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्ट। तो चलिए आज के इस वीडियो में देखते हैं बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्ट। नाउ वी विल सी सिलेबस पॉइंट्स विच आर कवर्ड इन दिस वीडियो। फर्स्ट वन इज बायोलॉजिकल टेस्ट, सेकंड वन इज बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्ट, थर्ड कोलीफॉर्म टेस्ट, फोर्थ टोटल काउंट टेस्ट, नेक्स्ट वन इज ई कोली टेस्ट, ई कोलाई इंडेक्स, प्रिजम्प्टिव टेस्ट मीन्स मीडियम मिकॉन की ब्रोथ, नेक्स्ट वन इज कन्फर्मेटरी टेस्ट विच इज मीडियम ब्रिलियंट ग्रीन बाइल ब्रोथ, नेक्स्ट वन इज कंप्लीटेड टेस्ट विच इज मीडियम इओसिन मिथाइल ब्लू अगार, एंड लास्ट वन इज मोस्ट प्रोबेबल नंबर मीन्स MPN टेस्ट। अवर नेक्स्ट पॉइंट इज बायोलॉजिकल टेस्ट। फर्स्ट पॉइंट इज there are number of bacteria, some of them are useful and some are harmful. Second point, the bacteria which causes disease are called as pathogenic bacteria and which do not cause any disease, are harmless, are called non-pathogenic bacteria. यहाँ पर pathogen means जो हमारी health पे effect करेगा ऐसा bacteria, and non-pathogen means bacteria जो पानी में मौजूद रहेगा तो भी हमारी health पे इसका कोई असर नहीं होगा ऐसा bacteria. Now we will see pathogenic bacteria and non-pathogenic bacteria. First picture shows non-pathogenic bacteria and second picture shows pathogenic bacteria. Now let's discuss about bacteriological test. First point is water contains many types of bacteria visible only under microscope. Out of these numerous bacteria, public health engineer is more concerned with one group known as coliforms. Second point is Aerobacter aerogenes means A. coli are found widely in the nature. Aerobacter clausii, C. coli is found in feces of men and animals, but Escherichia coli means E. coli are found in large number in the feces of men and animals. Point number three is presence and count of coliforms can be decided by testing coliform group of bacteria. Here presence means which bacteria is present from the coliform, and count means number of colonies of bacteria. पानी में काफ़ी तरह के बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देखे जा सकते हैं, जिसमें पब्लिक हेल्थ इंजीनियर को coliforms का पता लगाना होता है। Aerobacter aerogenes means A. coli, ये बैक्टीरिया नॉर्मली पाया जाता है, और Aerobacter clausii, C. coli, ये बैक्टीरिया इंसान और जानवरों के मल से पाया जाता है। लेकिन इससे भी ज़्यादा मात्रा में जो बैक्टीरिया पाया जाता है वो है Escherichia coli। सो अवर नेक्स्ट पॉइंट इज नाउ वी विल डिस्कस कोलीफॉर्म इंडेक्स विच इंक्लूड्स ई कोली टेस्ट एंड टोटल काउंट टेस्ट। सो अवर नेक्स्ट पॉइंट इज कोलीफॉर्म इंडेक्स।
फर्स्ट पॉइंट इज द नंबर ऑफ कोलिफॉर्म्स प्रेजेंट इज डिटरमाइंड बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ कॉलोनीज, मीन्स बैक्टीरिया इज काउंटेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कॉलोनीज. पॉइंट नंबर टू, दिस नंबर इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पर 100 ml ऑफ वाटर विच इज नोन एज कोलिफॉर्म इंडेक्स, मीन्स नंबर ऑफ कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ वाटर इज नोन एज कोलिफॉर्म इंडेक्स. कोलिफॉर्म इंडेक्स को एक्सप्रेस करने का जो तरीका है वो है 100 ml पानी में बैक्टीरिया के कितने कॉलोनीज मौजूद है, इसे कहेंगे कोलिफॉर्म इंडेक्स. फॉलोइंग टेस्ट आर जनरली परफॉर्म्ड. फर्स्ट वन इज टोटल काउंट टेस्ट. फर्स्ट पॉइंट इज दिस टेस्ट इज ऑल्सो नोन एज प्लेट काउंट टेस्ट. पॉइंट नंबर टू, इन दिस टेस्ट बैक्टीरिया आर कल्टिवेटेड ऑन अ मीडियम ऑफ अगार. थर्ड पॉइंट इज अगार इज एडेड टू वाटर सैंपल एंड इज प्लेस्ड इन इनक्यूबेटर. हियर इनक्यूबेटर मीन्स अ डिवाइस विच इज यूज टू कीप द टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट लेवल. अगार इज एडेड टू वाटर सैंपल एंड इज प्लेस्ड इन इनक्यूबेटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 48 आवर्स और एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 24 आवर्स. पॉइंट नंबर फोर, द सैंपल इज डायल्यूटेड एंड मोल्टन अगार इज एडेड. द बैक्टीरियल कॉलोनीज फॉर्म्ड कैन बी काउंटेड विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. हियर अगार इज यूज्ड विच एक्ट एज न्यूट्रिएंट विच इज नीडेड फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ. द बैक्टीरियल कॉलोनीज फॉर्म्ड कैन बी काउंटेड विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. नाउ वी विल सी ई कोली टेस्ट. फर्स्ट पॉइंट इज ई कोली इज मोस्ट कॉमनली फाउंड कोलीफॉर्म एंड फर्दर सब डिवाइडेड इंटू बायोटाइप एंड सेरोटाइप. पॉइंट नंबर टू, ई कोली आर अ पैरासाइट लिविंग ओनली इन द ह्यूमन एंड एनिमल इंटेस्टाइन्स. पैरासाइट मीन्स एन ऑर्गेनिज्म दैट लिव्स ऑन ऑर्गेनिज्म ऑफ अनदर स्पीसीज, मीन्स एक ऐसा जीव जो दूसरे जीव पर डिपेंड रहता है और बढ़ता जाता है. पॉइंट नंबर थ्री, इट रिमेन्स विजिबल इन एनवायरमेंट फॉर ओनली सम डेज. ई कोली इन ड्रिंकिंग वाटर देयरफॉर इज टेकन एज एविडेंस ऑफ रीसेंट पोल्यूशन, मीन्स इफ ई कोली इज प्रेजेंट देन वाटर इज कंसिडर्ड एज पोल्यूटेड. मतलब अगर ई कोली मौजूद है तो पानी को प्रदूषित माना जाता है. पॉइंट नंबर फोर, द प्रेजेंस ऑफ ई कोली इन द ग्राउंड वाटर सोर्स इंडिकेट्स दैट ग्राउंड वाटर इज कॉन्टेमिनेटेड बाय फिसल मटेरियल एंड अनसेफ फॉर ड्रिंकिंग विदाउट फर्दर ट्रीटमेंट. मीन्स पानी के सोर्स में ई कोली की उपस्थिति यह दर्शाती है कि इंसान और जानवरों के मल से पानी दूषित हो चुका है और आगे ट्रीटमेंट किए बिना ये पानी पीने के लिए असुरक्षित है. पॉइंट नंबर फाइव, द प्रेजेंस ऑफ ई कोली इन वाटर विच इज रिसीव्ड फ्रॉम अ ट्रीटमेंट प्लांट इंडिकेट्स दैट ट्रीटमेंट हैज बीन इनएडिक्वेट. नाउ लेट्स सी सिग्निफिकेंस. द प्रेजेंस ऑफ ई कोली इन एनी पॉइंट इन द ट्रीटेड वाटर इंडिकेट्स दैट देयर इज अ पोटेंशियल हेल्थ रिस्क फॉर कंज्यूमिंग द वाटर. वाटर ट्रीटमेंट के बाद पानी में ई कोली की मौजूदगी यह बताती है कि ऐसा पानी पीने से स्वास्थ्य को खतरा है. नाउ वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट ई कोली इंडेक्स विच इंक्लूड्स प्रिजम्प्टिव टेस्ट, कन्फर्मेटरी टेस्ट एंड कंप्लीटेड टेस्ट. नाउ लेट सी ई कोली इंडेक्स. पॉइंट नंबर फर्स्ट, ई कोली इंडेक्स शोज अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ ई कोली प्रेजेंट इन 1 cc ऑफ वाटर सैंपल. 1 cc मीन्स 1 cubic centimeter. ई कोली इंडेक्स शोज अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ ई कोली प्रेजेंट इन 1 cc ऑफ वाटर सैंपल. पॉइंट नंबर टू, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ सैंपल इन मिलीलीटर विच वुड गिव अ पॉजिटिव ई कोली टेस्ट. सैंपल ऑफ वाटर इनक्यूबेटेड फॉर 24 आवर्स इन लैक्टोज एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड. हियर इनक्यूबेटेड फॉर 24 आवर मीन्स सैंपल ऑफ वाटर इज कीप्ड एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इन द इंस्ट्रूमेंट नोन एज इनक्यूबेटर. नाउ लेट सी अवर नेक्स्ट पॉइंट्स. द टेस्ट इज कैरिड इन द फॉलोइंग 3 stages. फर्स्ट वन इज प्रिज्यूमटिव टेस्ट, दैट इज मीडियम मीकॉन की ब्रोथ. दिस पिक्चर शोज मीकॉन की ब्रोथ. नाउ पॉइंट नंबर वन, द सैंपल ऑफ वाटर इज प्लेस्ड इन स्टेराइल ट्यूब्स एंड मीकॉन की ब्रोथ इज एडेड. मीकॉन की ब्रोथ इज यूज फॉर कल्टिवेटिंग ग्राम नेगेटिव लैक्टोज फर्मेंटिंग बैसिली इन वाटर.
एंड अ फार्मास्यूटिकल रॉ मटेरियल्स एज अ प्रिजेंटिव टेस्ट फॉर कोलिफॉर्म ऑर्गेनिजम्स. पॉइंट नंबर टू इज द ट्यूब्स आर इंक्यूबेटेड फॉर 24 आवर्स एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड, मीन्स कीप्ड एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर ऑफ 37 डिग्री सेंटीग्रेड. पॉइंट नंबर थ्री, इफ नो गैस इज फॉर्म्ड देन कोलिफॉर्म एंड ई कोली आर एबसेंट, द टेस्ट इज कंटिन्यूड एंड इट इज एग्जामाइंड एट द एंड ऑफ 48 आवर्स. इफ नो गैस इज फॉर्म्ड द टेस्ट इज निगेटिव एंड वाटर इज सेफ. इसका मीनिंग है ट्यूब्स को 37 डिग्री सेल्सियस पर 24 आवर्स के लिए इंक्यूबेशन किया जाता है. इंक्यूबेशन मीन्स कॉन्स्टेंट टेम्परेचर मेंटेन रखना. यहाँ पर ट्यूब्स को 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रखा जाता है. यदि कोई गैस नहीं बनती है तो कोलीफॉर्म और ई कोली मौजूद नहीं है. यहाँ पानी का परीक्षण जारी है और 48 आवर्स के अंत में इसको चेक किया जाता है. यदि कोई गैस नहीं बनती है तो टेस्ट को निगेटिव कहेंगे और ये पानी सुरक्षित रहेगा. अवर नेक्स्ट पॉइंट इज कन्फर्मेटरी टेस्ट. दिस पिक्चर शोज मीडियम ब्रिलियंट ग्रीन बाइल ब्रोथ. नाउ वी विल डिस्कस कन्फर्मेटरी टेस्ट इन डिटेल. द कल्चर फ्रॉम द पॉजिटिव टेस्ट कैरिड आउट अबोव इज इंक्यूबेटेड इन टू ट्यूब्स, वन एंड टू, कंटेनिंग BGB ब्रोथ, दैट इज मीडियम ब्रिलियंट ग्रीन बाइल ब्रोथ, विच इज मॉडिफिकेशन ऑफ मेकॉनकी लिक्विड मीडियम फॉर द आइसोलेशन ऑफ एंटेरोबैक्टीरियासी एंड हैज बीन फॉर्मुलेटेड टू अटेन मैक्सिमम रिकवरी ऑफ बैक्टीरिया ऑफ द कोली एरोजिनस ग्रुप. ब्रिलियंट ग्रीन बाइल अगार इज यूज फॉर आइसोलेटिंग डिफरेंशिएटिंग कोलीफॉर्म बैक्टीरिया एंड इट इज यूजफुल फॉर डिटरमाइनिंग द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ कोलीफॉर्म बैक्टीरिया इन द वॉटर एंड सीवेज. पॉइंट नंबर थ्री, ट्यूब वन इज इंक्यूबेटेड एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 24 टू 48 आवर्स. इफ द गैस इज फॉर्म्ड देन कोलीफॉर्म इज इंडिकेटेड. पॉइंट नंबर फोर, ट्यूब टू इज इंक्यूबेटेड एट 44 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 12 आवर्स. इफ गैस इज फॉर्म्ड देन ई कोली इज इंडिकेटेड. यहाँ पर ट्यूब नंबर एक को 24 से 48 आवर्स के लिए 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर इंक्यूबेट किया जाता है. यदि गैस बनती है तो कोलीफॉर्म का संकेत दिया जाता है, मतलब ये कोलीफॉर्म का प्रेजेंस दर्शाता है. और ट्यूब नंबर टू को 12 आवर्स के लिए 44 डिग्री सेंटीग्रेड पर इंक्यूबेट किया जाता है. यदि गैस बनती है तो ई कोली का संकेत मिलता है, मतलब ये ई कोली का प्रेजेंस दर्शाता है. अवर नेक्स्ट पॉइंट इज कंप्लीटेड टेस्ट, दैट इज मीडियम इओसिन मिथाइल ब्लू अगार. दिस पिक्चर शोज कंप्लीटेड टेस्ट इन विच मीडियम इओसिन मिथाइल ब्लू अगार इज यूज. नाउ लेट्स डिस्कस इन डिटेल अबाउट कंप्लीटेड टेस्ट. पॉइंट नंबर वन, हियर द न्यूट्रिएंट मीडियम यूज्ड इज इओसिन मिथाइल ब्लू अगार, दैट इज EMBA. हियर सैम्पल्स फ्रॉम ट्यूब वन एंड टू आर टेकन ऑन टू डिफरेंट प्लेट्स से ए एंड बी रेस्पेक्टिवली कंटेनिंग EMBA. पॉइंट नंबर टू, बोथ प्लेट्स आर इंक्यूबेटेड फॉर 24 आवर्स एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड. पॉइंट नंबर थ्री, ऑन प्लेट ए इफ ऑब्जर्व्ड अंडर द माइक्रोस्कोप लार्ज मॉइस्ट एंड कॉन्वेक्स कॉलोनीज विद डार्क सेंटर्स आर सीन, इट कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ ई कोली. पॉइंट नंबर फोर, ऑन प्लेट बी इफ ऑब्जर्व्ड अंडर माइक्रोस्कोप स्मॉल ड्राई एंड फ्लैट कॉलोनीज विद अ मेटालिक क्लस्टर आर सीन, देन इट कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ ई कोली बैक्टीरिया. एंड लास्ट पॉइंट इज इफ द टेस्ट इज निगेटिव द वॉटर इज सेफ फॉर ड्रिंकिंग. यहाँ न्यूट्रिएंट मीडियम इओसिन मिथाइल ब्लू अगार EMBA का उपयोग किया जाता है. यहाँ ट्यूब वन और टू के सैंपल्स को दो अलग अलग प्लेटों पर लिया गया है जिसमें EMBA डाला गया है. दोनों प्लेटों को 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर 24 घंटे के लिए इंक्यूबेट किया जाता है. प्लेट ए को अगर माइक्रोस्कोप से देखा जाता है और यदि डार्क सेंटर के साथ बड़े कॉलोनीज दिखाई देते हैं तो ये ई कोली की उपस्थिति दर्शाता है. और प्लेट बी को अगर माइक्रोस्कोप से देखा जाता है और चमक के साथ साथ छोटे सूखे और सपाट कॉलोनियों को देखा जाता है तो यह ई कोली बैक्टीरिया की उपस्थिति दर्शाता है. यदि टेस्ट निगेटिव आता है तो पानी को पीने के लिए सुरक्षित कहा जाता है. नाउ वी विल सी मोस्ट प्रोबेबल नंबर टेस्ट. पॉइंट नंबर वन, मोस्ट प्रोबेबल नंबर इज अ नंबर विच रिप्रेजेंट्स द बैक्टीरियल डेंसिटी विच इज मोस्ट लाइकली टू बी प्रेजेंट. पॉइंट नंबर टू, MPN इज दैट बैक्टीरियल डेंसिटी विच इफ हैड बीन एक्चुअली प्रेजेंट इन द सैम्पल वुड बी मोर फ्रिक्वेंट देन द अदर. पॉइंट नंबर थ्री, इट इज नेसेसरी टू नोट पॉजिटिव टेस्ट कंटेंट ऑन पोर्शंस
of a sample to known number of coliforms per 100 ml. Point number 4, the standard sample consists of 10 ml. Next point, if 5 samples are tested and all give negative results, then MPN is 0. MPN is more accurate than E. coli index. And last point is, MPN index count coliform by multiple tube fermentation technique when 5 10 ml, 5 1 ml and 5 0.1 ml portions are used. तो चलिए देखते हैं MPN टेस्ट क्या होता है. मोस्ट प्रोबेबल नंबर जो है बैक्टीरिया की डेंसिटी की जानकारी देता है, मतलब कितना बैक्टीरिया प्रेजेंट है इसकी जानकारी. यहाँ 10 ml का स्टैंडर्ड सैंपल लिया जाता है. यदि 5 नमूनों का परीक्षण किया जाता है और सभी नेगेटिव रिजल्ट्स देते हैं तो MPN को 0 कहा जाता है और E. coli इंडेक्स की तुलना में MPN ज़्यादा एक्यूरेट पाया गया है. MPN इंडेक्स में कोलीफॉर्म का पता करने के लिए मल्टीपल ट्यूब फर्मेंटेशन टेक्निक का यूज़ किया जाता है, जहाँ 5 अलग पोर्शंस यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि 5 10 ml के, 5 1 ml के और 5 0.1 ml के पोर्शंस यूज़ किए जाते हैं. तो आज के इस वीडियो में हमने कवर किया है बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्ट, जहाँ पर हमें पानी के अंदर पाए जाने वाले सारे बैक्टीरिया की जानकारी और इसकी सारी टेस्टिंग हमने आज के इस वीडियो में कवर की है. तो अगले लेक्चर में हम देखेंगे केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर. Hope you like the information given in this video. If you are watching my channel for first time, then click on subscribe and share with all your friends. Thanks for watching. Jai Hind, Vande Mataram.